शुभ सवेर कलीसिया, आप सबको जय मसीह की। कैसे आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह में आप सब सुरक्षित हैं। और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए एक और बार अवसर दिया। इन मुश्किल हालातों में भी आप जानते हैं कि हम कई दिनों से ऑनलाइन हम मिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ संगति कर रहे हैं। और अगर आप हमारे सेवा में पहले बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको तहे दिल से आपको आमंत्रण करना चाहता हूँ। इन मुश्किल परिस्थितियों में भी परमेश्वर का वचन हमें धाड़स देता है और हिम्मत देता है। इसलिए मैं आप सबके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। वचन संहिता का 125 उसका 1 और 2 मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्या लिखा है यहां पर भजन संहिता का भजन हार क्या लिखा है? ये लिखा है कि यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारा दिल डगमगा जाता है, जब हम चारों ओर मुश्किल परिस्थितियों से संघर्ष करता है, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर यहोवा मेरा प्रभु मेरा पिता अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक वो बना रहेगा, वो हमारे साथ है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी तरह परमेश्वर हमारे चारों तरफ है। क्या ये हमारे दिलों को आनंद से नहीं भरता? मेरा यहोवा मेरे साथ मेरे चारों ओर बना रहता है। इसलिए जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे सियोन पर्वत के समान डटे रहते हैं। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो स्थिर रहता है, चाहे घोर अंधकार भी हो, चाहे तराई भी हो, चाहे मृत्यु की घाटी से चलना भी पड़े, लेकिन परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। इसलिए भजनहार बोलता है मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे संग संग रहता है, तू मेरे चारों ओर सर्वदा बना रहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे चारों ओर संघर्ष आएंगे, जब हमारे चारों ओर मुश्किल हालातों से हम गुजरेंगे, हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे और परमेश्वर पर हमारा आसरा रखेंगे क्योंकि वो सदा हमारे चारों ओर बना रहता है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर की गुणगान गाएंगे, साथ में मिलकर हम सब गाएंगे। उसके पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको इन कठिन हालातों में भी परमेश्वर आपने हमको संभाल के रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका पुत्र यीशु मसीह का लहू के द्वारा आपने हमको शुद्ध किया है और हमें आपका संतान बनाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप हमें आग की पुतली जैसे संभाला, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको आपके हथेलियों में खोद कर रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज का दिन आप हमसे बात करना, परमेश्वर जो भी ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं परमेश्वर आप उन सबके साथ पवित्र आत्मा के द्वारा उन सबके साथ परमेश्वर आप उनको एनकरेज करना और परमेश्वर प्रोत्साहन देना। परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आइए गीत से शुरू करते हैं, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे। सृष्टिकर्ता
यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला राजाओं का राजा, आता हूँ तेरे चरणों के, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थ्य परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थ्य परमेश्वर तेरी वंदना करूं। तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, आदर के योग्य है तू, महिमा के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थ्य परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थ्य परमेश्वर तेरी वंदना करूं, तेरे ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा, मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा, घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थ्य परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थ्य परमेश्वर तेरी वंदना करूं। आप परमेश्वर आप पवित्र हैं, आदर के योग्य है, आप महिमा के योग्य है परमेश्वर। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर आप पवित्र 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 है, और परमेश्वर आपने अपना पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। क्या प्रेम था आपका परमेश्वर की हमारे जैसे पापी को, हमारे जैसे दुर्बल दुर्बल मनुष्य के लिए परमेश्वर आपने आपने आपका प्रेम के द्वारा यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया,
हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सना, तू है प्रभु हमारा खुदा। चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां परमेश्वर, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके प्यार को। हम जब स्मरण करते हैं परमेश्वर, हम ये याद करते हैं कि हम बस मिट्टी हैं परमेश्वर, लेकिन आपने हमको याद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों पर तरस खाता है, वैसे परमेश्वर अपने भक्तों पर दया दिखाता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तू प्यार का सागर है परमेश्वर, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में सागर में हम तैरना चाहते हैं। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की,
परमेश्वर होने पर भी तुम मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने सागर दया का है। सागर का गहराई मिल सकता है परमेश्वर, और आसमान की ऊंचाई भी शायद माप सकता है, लेकिन कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और आपके प्यार में हम तैरना चाहते हैं परमेश्वर। आज आपके वचन के द्वारा हमारे दिलों को एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ आपके पास दौड़ने के लिए हमें सहायता करना परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हाय, आशा है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ और आनंदित होंगे। और इस प्रकार से अभी आपने स्तुति आराधना किया होगा, जहां पर आपने वाकई में परमेश्वर के नाम की महिमा और आपको आनंद भी मिला होगा। और ये कितनी मजे की बात है और अच्छी बात है कि पिछले 4.5 महीने से करीब लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रभु ने अनुग्रह किया है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों सभा लगातार फेसबुक और यूट्यूब के जरिए लगातार करते जा रहे हैं। और जैसे कि हमने पिछले सप्ताह जो हमने प्रचार सुना था, उसका टाइटल, उसका शीर्षक ये था कि अमीरी और गरीबी में स्वर्गीय दृष्टिकोण। और मेरे को लगता है कि ये काफी बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि हम अपने लगातार अपनी जिंदगी में अमीरी और गरीबी का महसूस करते हैं, लेकिन असल में ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन या स्वर्गीय दृष्टिकोण इस विषय में क्या बातचीत करता है। और इस रविवार का शीर्षक, चलो इस रविवार के शीर्षक को हम बाद में सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो सभाएं संडे की सभाएं करते हैं, वो इंग्लिश के लिए सुबह 10:30 बजे रविवार को और हिंदी के लिए सुबह 11:30 बजे। आप इसका हिस्सा लगातार हमारे साथ बने रहें और हमें विश्वास है कि आपको इनके द्वारा जरूर करके आशीष मिलेगी। इसके साथ में अगर आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं, टेंशन में हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी एक समूह का हिस्सा बने जहां पर आप बैठकर उनके साथ बातचीत करें, चर्चा करें, तो गैदरिंग परिवार की तरफ से गॉस्पल कम्युनिटी करके कुछ समूह चलते हैं, जो कि अभी इन दिनों में जिनको अंधेरी वेस्ट, अंधेरी ईस्ट और बोरीवली के नाम से जाना जा रहा है, आप इसका हिस्सा बने। और संडे सभा के इतर इनमें बहुत ही एक अच्छा मौका होता है जहां पर हम बैठकर एक दूसरे से तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं, पिछले संडे को सुनाए गए वचन के ऊपर चर्चा करते हैं, और कुछ कुछ इसमें एक्टिविटी भी होती है, हंसी मजाक भी होता है। आप इसका हिस्सा जरूर करके बने और आशा है कि इसके द्वारा आपको जरूर करके आशीष मिलेगी। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रकार से इन दिनों में जरूरत है कि हम कलीसिया और देश और दुनिया की तमाम समस्याओं को लेकर एक साथ मिलकर, एक मन होकर, एक आत्मा में होकर प्रार्थना करें। और गैदरिंग में शनिवार को सुबह 11:30 बजे हिंदी के लिए प्रार्थना होती है और गुरुवार को शाम को 8:30 बजे इंग्लिश के लिए। आप इसमें हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आपको इसके साथ में मैं बताना चाहता हूं कि लंबे लॉकडाउन के चले बहुत लोग अपनी नौकरियों को खो चुके हैं, बहुत लोगों के पास जो जरूरी सामान होना चाहिए उसको जुटाने में समस्या हो रही है, तो गैदरिंग परिवार ने यह निर्णय लिया कि वो इन दिनों में अपने इकट्ठे हुए दान और दशमांश को उन लोगों तक
पहुंचाएंगे मदद के लिए। और एक बार हम लोग मदद पहुंचा चुके हैं और दूसरी बार हम लोग मदद पहुंचाने जा रहे हैं। अगर आप इसमें अपना भागीदारी करना चाहते हैं तो आप हमें गूगल पे या फिर बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। और हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप उदारता के साथ दें। और मैं आपको एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि आप टेंशन ना लें। और शायद आप टेंशन ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आपकी नौकरी खतरे में है, हो सकता है फेसबुक में आपके फ्रेंड्स बहुत कम हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर कोई सलाह चाहिए, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना चाहते हैं तो आप गैदरिंग से संपर्क कर सकते हैं। गैदरिंग आपको व्यक्तिगत प्रार्थना और सलाह देने के लिए तैयार है। आप हमें संपर्क करने के लिए फेसबुक के जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए। और जैसा कि हम लोग मैं आपको बताने वाला था ना कि आज का हम शीर्षक क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज का शीर्षक है परीक्षण और प्रलोभन में स्थिर रहने का पुरस्कार। और ये हम पढ़ने जा रहे हैं याकूब की पत्री से, उसका एक अध्याय उसके 12-15 का। तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर वह अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और ये वचन कुछ इस प्रकार से, इस वचन का प्रचार हमारे पासवान सजू करने जा रहे हैं। और हम आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस वचन को सीखने समझने में मदद करें। धन्यवाद प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपने इस वचन को हमें दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हमारी प्रार्थना है कि हमारे दिल को, हमारे मन को तैयार कीजिएगा कि जब ये वचन हम तक पहुंचे तो प्रभु आपका पवित्र आत्मा इस वचन को हमारे जीवन में लागू होने के लिए, कार्य होने के लिए मदद करे पिता। और हमारी हमारी इच्छा है, हमारी प्रार्थना है कि हमारे पासवान जो वचन लेकर आ रहे हैं, आप उनके जीवन में भी कार्य कीजिएगा अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नमस्ते और शुभ सवेर दोस्तों, मेरा नाम सजू जोसेफ है और मैं गैदरिंग कलीसिया में एक अगुवा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ में जुड़े और हमारे साथ में मिलकर आपने आराधना की और अब आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बेताब है। हम ये आशा करते हैं कि हमारे साथ में जो आप हर रविवार को वक्त गुजार रहे हैं, ये वक्त गुजारने के द्वारा आप अपने मसीही जीवन में तेजी से बढ़ रहे हैं और आप मसीह के और करीब आ रहे हैं। ये आशा और ये प्रार्थना हमारी रही है हमेशा के लिए। और अब भी जैसे हम वचन को देखते हैं, मेरी ये प्रार्थना है कि आपका दिल परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए, मसीह के लिए ज्यादा धड़के और मसीह के करीब जाए। दोस्तों इसी के साथ में आइए हम अपने वचन को देखें। अगर आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हम एक विषय के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। विषय का नाम है विश्वास और कर्म। और जो किताब हम देख रहे हैं वो है याकूब का किताब, याकूब की पत्री। ओके, याकूब जो पत्री लिख रहा है उस पत्री को हम देख रहे हैं। आज जो वचन हम देखेंगे वो है याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 12 वचन से लेकर 15 वचन, जो विवांशु भाई ने हमारे लिए पढ़ा है। दोस्तों इन वचनों में हमें दो बातें सीखने को मिलती है। याकूब जो है हमें दो बातें सिखाता है। सबसे पहले 12वां वचन में वो हमसे कह रहा है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि उसे एक जीवन का मुकुट दिया जाएगा या फिर एक पुरस्कार दिया जाएगा। तो एक पुरस्कार के बारे में जिक्र कर रहा है याकूब। और उसके बाद 13 वचन से लेकर 15 वचन में वो हमें प्रलोभन या अंग्रेजी में जो शब्द है टेम्पटेशन के बारे में हमें एक दृष्टिकोण दे रहा है। आपके हिंदी बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल किया है वो परीक्षा ही का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आप ओरिजिनल अगर बाइबल को देखें तो ये जो शब्द जो 13 वचन में जो शब्द है वो परीक्षा नहीं है, प्रलोभन है, ये टेम्पटेशन है। ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ट्रायल यानी कि हमारे जीवन से हम जो तकलीफों से गुजरते हैं, मुश्किलों से गुजरते हैं,
टेम्पटेशन वो है जहां पर मुश्किलों से गुजरने के वक्त हम टेम्प्ट होते हैं, यू नो, गलत रास्ते अपनाने के लिए, गलत चुनाव करने के लिए, उसको हम कहेंगे टेम्पटेशन। तो प्रलोभन के बारे में वो हमें एक दृष्टिकोण दे रहा है। सो दोस्तों, हम ये दोनों विषय को देखेंगे। मैं सबसे पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रलोभन जो है हमारे परीक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं सबसे पहले परीक्षाएं और प्रलोभन के बारे में कुछ बातें मैं जिक्र करना चाहूंगा। उसके बाद हम 12वें वचन को देखेंगे जहां पे याकूब जो है पुरस्कार के बारे में बात करता है। दोस्तों, परीक्षाएं, सबसे पहले परीक्षाएं, परीक्षा के बारे में हमने बहुत ज्यादा बात की है, बहुत ज्यादा पिछले रविवार, उसके पहले के रविवार में हमने बहुत सारी चीजें हमने परीक्षाओं के बारे में सीखा है। एक थोड़ा सा जल्दी से संदर्भ देने के लिए, याकूब जो है वो विश्वासियों को ही लिख रहा है, वो विश्वासी भाई बहन को लिख रहा है जो अपने विश्वास के वजह से सताव आने के वजह से अब वो अपने भूमि से दूर किसी और भूमि में अन्य लोगों के साथ निवास कर रहे हैं और परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए पौलुस जो याकूब जो है ये पत्री लिखता है। और वो क्या लिखता है, कुछ बातें हमने परीक्षाओं के बारे में हमने सीखा, वो ये सीखा है कि परमेश्वर हमें परीक्षाएं, हमारे जीवन में परीक्षाओं का अनुमति देता है ताकि वो हमारे हृदय में एक गहरा कार्य कर सके, वो हमारे विश्वास को परखने के लिए हमें परीक्षाओं में डालता है। ये बात को हमने सीखा। और जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, हमें आनंदित मनाना चाहिए। याकूब कहता है कि जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद मनाओ। क्यों? इस बात का आनंद मनाओ कि परमेश्वर आपके दिल में गहरा कार्य कर रहा है, आपके विश्वास को वो मजबूत बना रहा है, आपके विश्वास को वो बढ़ा रहा है। दूसरी बात हमने ये सीखा, जब हम परीक्षाओं से गुजरते होते हैं तब परीक्षाओं में गुजरने के वक्त जो बुद्धि की जरूरत हमें होती है, वो बुद्धि हम अपने स्वयं की बुद्धि ना इस्तेमाल ना करते हुए परमेश्वर से बुद्धि को मांगे ताकि हम परीक्षाओं में जो चुनाव है, निर्णय है जो हमें लेना है, वो बुद्धि पूर्वक हम ले सकें। और उसके बाद हम देखते हैं कि पिछले रविवार को हमने देखा किस तरह से चाहे हम अमीर हो चाहे हम गरीब हो, ओके, अमीरी और गरीबी का परमेश्वर जो हमारे दिल में कार्य है उसका उसके साथ कोई वास्ता नहीं। चाहे हम अमीर हो या गरीब हो, हम सब विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं से गुजरते हैं, और वो परीक्षाओं के जब गुजरते हैं तो हमारे लिए जो ज्यादा मुख्य है, जो जरूरी है, वो है प्रभु की ओर देखना, परमेश्वर की ओर देखना, मसीह की ओर देखना, मसीह को हमारा धन समझना, मसीह को हमारा सर्वोत्तम समझना। ये बात हमने परीक्षाओं के बारे में देखा, राइट? और परीक्षाएं के बारे में, अगर परीक्षाएं हम सब, अगर आप विश्वासी है या फिर आप विश्वासी है तो आप जानते होंगे कि हम सब अलग अलग प्रकार के परीक्षाओं से गुजरते हैं, और मैं मानता हूं कि आप भी अब इस वक्त कुछ परीक्षाओं से गुजर रहे होंगे। तो परीक्षाओं के बारे में हमने कुछ देखा। अब जो बात हम कर रहे हैं वो है प्रलोभन के बारे में, टेम्पटेशन के बारे में। और मैं समझता हूं कि याकूब परीक्षाओं के बारे में जिक्र करने के बाद तुरंत जो है वो प्रलोभन या टेम्पटेशन के बारे में बात कर रहा है। और मैं मानता हूं वो इसलिए बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं प्रलोभन हमारे परीक्षाओं के साथ जुड़ा रहता है, राइट? अब मैं इसे और थोड़ा स्पष्ट तरह से समझाता हूं। जब मैं ये कह रहा हूं कि जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, ओके, तो हमारा दो जवाब हो सकता है। एक, जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं तो हम परमेश्वर हमारे हृदय में क्या कार्य कर रहा है उसको गहरे तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं। परमेश्वर जहां हमारे पाप का खुलासा कर रहा है, उस पाप को जानकर परमेश्वर के पास आकर माफी मांगकर फिर से उसके ऊपर विश्वास करना, ये हमारा जवाब हो सकता है। लेकिन जो दूसरा जवाब है वो है प्रलोभन में पड़ जाना। बहुत आसान है, वो एकदम नजदीक है। जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं तो हम आसानी से दूसरे तरह की सोच भी हमारे अंदर पैदा हो सकता है। वो सोच ये है, अरे छोड़ो यार, अगर परमेश्वर चाहता था कि मैं विश्वास में बना रहूं, मजबूत बना रहूं, तो परमेश्वर मेरे जीवन में परीक्षाएं नहीं लाता। तो परमेश्वर, अगर परीक्षाएं मेरे जीवन में आया है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने स्वयं मुझे वो परीक्षा में डाला है ताकि मैं अपने प्रलोभन में पड़ सकूं। परमेश्वर खुद
मुझे टेम्प्ट कर पर टेम्प्ट करने पे मजबूर कर रहा है, और इसीलिए छोड़ो यार प्रभुता, छोड़ो यू नो ये सारी बातें, कहां कहां मैं इसमें फंस गया हूं, मैं अपने मनमानी करूंगा, अपने दिल की जो बात है उसे हम पूरा करेंगे, उस तरह के प्रलोभन में हम बढ़ जाते हैं। अब इस बात को और थोड़ा स्पष्ट तरह से समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये कि मानो एक व्यक्ति है जो परमेश्वर को जानने से पहले चोर था, समझो वो चोर था, वो अपनी 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 जिंदगी जो है वो चोरी के पैसे से वो कमाया करता था, अपने परिवार को परिवार की जरूरतों को पूरा करता था। अब ये व्यक्ति जो है अचानक से प्रभु के सुसमाचार को सुन लेता है, और परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के बाद अपना जीवन मसीह को दे देता है, मसीह को देने के बाद कलीसिया में जाता है और संगति करता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद इस चोर की जिंदगी में, या मतलब जो चोर था ये व्यक्ति की जिंदगी में परीक्षाएं आती है, और परीक्षा क्या आती है, आर्थिक तंगी, जहां उनके पैसे की कमी हो गई है। अब जो है उस वक्त में ये जो व्यक्ति है, इसका दो प्रकार का जवाब हो सकता है। एक जवाब ये कि मैं ये मेरे लिए परीक्षा है, क्योंकि परमेश्वर मेरे विश्वास को परख रहा है, परमेश्वर परख रहा है कि मेरा विश्वास सही है, स्थिर है, इसलिए मैं इस परीक्षाओं में मैं और निडर बना रहूंगा, स्थिर बना रहूंगा, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहूंगा, चाहे मुझे दाल चावल ही क्यों ना खाना पड़े, चाहे मुझे एक वक्त ही खाना क्यों ना खाना पड़े, चाहे मेरे पास सिर्फ एक या दो जोड़ी कपड़े ही क्यों ना हो, मैं इसमें बना रहूंगा। ये इस प्रकार का जवाब हो सकता है। दूसरे प्रकार का जवाब ये हो सकता है, जहां पे ये जो व्यक्ति है जो पहले चोर था, वो ये कह सकता है, अरे अगर परमेश्वर मैं जब एक वक्त चोर था, अगर परमेश्वर चाहता कि मैं इस तरह के चोरी के जो प्रलोभन है उसमें ना पड़ूं, तो परमेश्वर मेरे जीवन में परीक्षाएं नहीं लाती, इस प्रकार की परीक्षा लाकर परमेश्वर मुझे टेंप्ट कर रहा है कि मैं जाके चोरी करूं। और ये व्यक्ति फिर से अपने मन में सोच कर सकता है कि जब मैं चोर था तो मेरी फैमिली की जरूरत पूरी होती थी, मैं पैसे दे पाता था, अब मसीह को जान लिया और परमेश्वर के ओर से ये प्रलोभन आ रहा है, तो बेहतर है कि मैं फिर से अपने पुरानी जिंदगी में जाऊं और मैं चोर बन जाऊं और चोरी करके अपने परिवार को मैं खिलाऊं। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये बात, ये जो, और वही बात को जिक्र करते हुए हमें याकूब ये कहता है, याकूब क्या कहता है कि हम सब में ये चीज है, हम सब जो है जब परीक्षाओं से गुजरते हैं ना, आसानी से प्रलोभन, किसी ना किसी प्रलोभन में गुजर सकते हैं या अटेम्प्ट हो सकते हैं गलत रास्ता अपनाने के लिए, गलत तरीका। तो याकूब जो है हमें एक दृष्टिकोण दे रहा है, याकूब ये कह रहा है कि जब किसी को प्रलोभन हो तो वो यह ना जाने कि यह प्रलोभन परमेश्वर की ओर से है। ओके, क्योंकि ना तो बुरे बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। सबसे पहला दृष्टिकोण याकूब हमें यह दे रहा है कि परमेश्वर की ओर से प्रलोभन आ ही नहीं सकता, टेम्पटेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि टेम्पटेशन हमें क्या करता है, परमेश्वर से दूर ले जाता है। परमेश्वर ऐसी बात की क्यों अनुमति देगा जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाए, परमेश्वर बिल्कुल भी इस बात की अनुमति नहीं देगा। तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि मेरे जीवन में जो टेम्पटेशन आ रहा है, जो प्रलोभन आ रहा है, ये परमेश्वर मेरे जिंदगी में परमेश्वर डाल ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की चाहत यह है कि हम विश्वास में बढ़े। तो याकूब कह रहा है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर से आ रहा है, लेकिन वो हमें दूसरी दृष्टिकोण दे रहा है, एक आ कहां से रहा है, वो कह रहा है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींच कर और फंस कर प्रलोभन में पड़ता है। दोस्तों, याकूब ये कह रहा है जब हम परीक्षाओं से गुजरने के वक्त हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं और प्रलोभन के और बढ़ जाते हैं, गलत रास्ते अपनाते हैं, वो इस कारण नहीं कि परमेश्वर ने हमें प्रलोभन में डाला है या अटेम्प्ट किया है, लेकिन हमारे अंदर जो पाप है, जो हमारे अंदर जो गलत अभिलाषाओं का जो बातें हैं, पापी दिल है, वो हमें खींच रहा है, वो हमसे कह रहा है कि छोड़ो ये सब, संसार में रहो, संसार की तरह जिंदगी गुजारो और तुम सही ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों, ये बात को हमें जानना बहुत जरूरी है, जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब आप प्रलोभन में पड़े, परीक्षाओं में गुजरने के वक्त में आपको यह ध्यान देना है, आपको जानना बहुत जरूरी है
के गलत रास्ते की ओर, वो है आपका ही जो पाप भरा हृदय है वो आपको ले जा रहा है। और ये पाप भरा हृदय कहां से उत्पन्न हुआ? ये ईदन के बागीचे में उत्पन्न हुआ। उस वक्त जब परमेश्वर ने हमें रचा, परमेश्वर ने संसार को सुंदर बनाया, लेकिन जो पहले स्त्री और पुरुष ने परमेश्वर के खिलाफ होकर परमेश्वर की आज्ञाओं का अनादर करते हुए उन्होंने वो सारी चीजें की जो परमेश्वर के खिलाफ था, और उस वक्त जो पाप है वो हमारे अंदर आकर बस गया। हम परमेश्वर के विरोधी हो गए और हमारे अंदर वो पाप, हम हमारा जो शरीर है वो पापी हो गया। और सिर्फ परमेश्वर जो है वो हमें इस पाप से छुड़ाता है। हम सबको पता है परमेश्वर ने किस तरह से हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह को भेजकर उसने हमें हमारे पाप भरे नतीजे से हमें बचाया, राइट? जो नतीजा है पाप के वजह से हमें अनंत काल का मृत्यु होने वाला था, उस मृत्यु से परमेश्वर ने हमें बचा लिया। सो दोस्तों, लेकिन जब तक हमें संसार में है, हमारे अंदर वो पाप करने की, वो पाप, ये शरीर में हम वो पाप का अनुभव करते हैं। हमारा जो पुराना जो स्वभाव है, एफिसियों की किताब में, एफिसियों की किताब में पौलुस कहता है कि हमारा जो पुराना पुरुष है, जो चोर था, वो कहीं ना कहीं मंडराता रहता है हमारे अंदर। और जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं तो हम आसानी से उस प्रलोभन में हम फिसल जाते हैं और हम एक्सक्यूज क्या देते हैं, एक्सक्यूज, क्योंकि हमारा मन, क्योंकि पापी है, हम हमेशा तैयार रहते हैं, हमारे अंदर एक बेचैनी होती है, हम हमेशा एक 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 मौके की तलाश में रहते हैं कि कब मैं अपनी मर्जी से अपना जिंदगी चला सकूं। और जब हमारे अंदर परीक्षाएं आती है तो हमारा प्रलोभन कहता है, अरे छोड़ो यार, अपनी मर्जी से तुम अपने जीवन को आप व्यतीत कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, हमें याकूब चेतावनी दे रहा है। अगर आप 15 वचन में देखिए, वो हमें प्रलोभन में फंसने से क्या होगा हमारे साथ में उसकी चेतावनी देता है। वो कहता है कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। सो दोस्तों, पौलुस जो है हमें चेतावनी दे रहा है दोस्तों कि हमें अपने प्रलोभन से बचकर रहना है। प्रलोभन परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। जब हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं, इसके दो बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है कि परीक्षाएं जो है हमारे विश्वास को परखने के लिए, हमारे विश्वास में बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जब एक व्यक्ति के जीवन में परीक्षा आती है और जब परीक्षा के साथ प्रलोभन आता है और वो व्यक्ति तुरंत जो है अपने प्रलोभन की ओर झुक जाता है और अपनी पुरानी जिंदगी की ओर बढ़ जाता है, उस व्यक्ति को दो सवाल पूछना जरूरी है। सवाल पहला उसे ये, उस व्यक्ति को यह पूछना है कि क्या सही में उसने अपना विश्वास मसीह के ऊपर डाला था? क्या उसका विश्वास मुकम्मल था? क्योंकि अगर उसका विश्वास मुकम्मल था उस वक्त जब उसने अपना विश्वास मसीह के ऊपर डाला, तो पवित्र आत्मा जो उसने हमारे अंदर दिया है वो हमारे प्रलोभन में हमारी सहायता करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो पहला सवाल हमें यह पूछना चाहिए, क्या मैंने सही में अपना जीवन, अपना सुसमाचार को मैंने ग्रहण किया? क्योंकि सुसमाचार हमें हमारे प्रलोभन में पड़ने से और अनंत काल की मृत्यु से हमें सुसमाचार ने हमें बचाया है। दोस्तों, जो दूसरा सवाल आपको पूछना है कि क्या आपके इस प्रलोभन में आप कुछ समय के लिए भटक गए हो, राइट? कुछ समय के लिए भटक गए हो, ये मुमकिन है दोस्तों। ये हमारे विश्वास में, मसीह जीवन में हमारे साथ ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम सही में हमारे विश्वास को यीशु मसीह के ऊपर डालने के बावजूद, सुसमाचार के उद्धार की बातों को जानने के बावजूद, हमारे जिंदगी में हम इस तरह के तनाव में फंस सकते हैं, इस तरह के दुविधा में फंस सकते हैं, जहां पर जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं तो हमारे प्रलोभन के प्रति हम झुक जाते हैं और अपने और उस दिशा में हम चले जाते हैं। सवाल ये पूछना है, क्या मेरे जो प्रलोभन की जो स्थिति है वो कुछ समय के लिए है जहां मैं भटक गया हूं? क्योंकि परमेश्वर, अगर आपने सही में अपना विश्वास मसीह के ऊपर डाला है, तो आपके प्रलोभन में सुसमाचार का जब आपको ज्ञात दिलाया जाएगा, जब या तो प्रचार में, या तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार का ज्ञात आपको दिलाया जाएगा, तो आपका हृदय तुरंत आपके उस पाप भरे हृदय को जान जाएगा और तुरंत पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर मुड़ जाएगा। दोस्तों ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वासी नहीं है, अगर आपने सुसमाचार
पे यकीन नहीं किया है तो याकूब कहता है कि अनंत काल की मृत्यु का हम अनुभव करेंगे। लेकिन विश्वासी होने के नाते भी जब हम भटक जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव का अनुभव हम करते हैं। और याकूब हमें चेतावनी दे रहा है कि हम जब प्रलोभन में गिरे तो प्रलोभन में गिरे हम अपने आप को हम संभाले, और जब सुसमाचार का ज्ञात हो लौट कर आए, पश्चाताप करें और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करें। सो दोस्तों, ये दो बातें हमें अब सीखने को मिलता है, एक परीक्षाओं के बारे में, एक प्रलोभन के बारे में। लेकिन दोस्तों, खुशखबरी जो 12वें वचन में हमें देखने को मिलता है, और खास करके ये वचन हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि हम हमारे परीक्षाओं में और हमारे प्रलोभन में हम स्थिर रहे। और क्या बात है जो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, वो है 12वां वचन जहां पे याकूब कहता है कि अगर आप अपने विश्वास में स्थिर रहेंगे तो आपको जीवन का मुकुट दिया जाएगा, आपको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। दोस्तों, जीवन का मुकुट जो है वो पुराने समय में एक पुरस्कार की तरह दिया जाता था। आज अगर हम ये वचन को पढ़ते हैं, शायद मुकुट का संदर्भ हमें इस संदर्भ में हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वाकई में अगर आप मुकुट के बारे में आप जाने तो ये एक पुरस्कार की ओर दिया जाता था। तो याकूब एक पुरस्कार की बात कर रहा है कि एक पुरस्कार है जो जिसे वो कह रहा है कि जीवन का मुकुट है, उस तरह का एक पुरस्कार दिया जाएगा। और उस पुरस्कार को पाना है तो हमें अपने परीक्षाओं में स्थिर रहना है और परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इस पुरस्कार के बारे में दो सोच विचार हैं, दो प्रकार के सोच हैं। एक सोच ये है कि लोग कहते हैं कि ये जो पुरस्कार है ये अनंत काल में दिया जाएगा। हाँ, पुरस्कार का जिक्र जो याकूब कर रहा है वो ऐसा एक पुरस्कार जो अनंत काल में हम अनुभव करेंगे, जब हम स्वर्ग में ले जाएंगे तब वो पुरस्कार हमें दिया जाएगा। कुछ लोग की विचारधारा ये है कि वो जो पुरस्कार है वो यहां पर हमें इस भूमि पर ही हमें परमेश्वर दे देगा, तो हमें उसकी अपेक्षा करना चाहिए। और बहुत लोग इस विचारधाराओं को लेकर बहुत सारी गलत शिक्षण भी देते हैं, जहां पे वो कहते हैं कि परमेश्वर धन दौलत और नाम औदा सब देगा अगर हम मसीह बने रहेंगे। ये भी बहुत गलत सोच विचारधारा है मेरे दोस्तों, हमें उस विचारधारा में नहीं फंसना चाहिए। मेरा मानना ये पुरस्कार दोनों तरफ हमें दिया जाएगा। अब इसके बारे में बाइबल में स्पष्ट तरह से कुछ भी नहीं लिखा गया है, इस जीवन के मुकुट के बारे में स्पष्ट तरह से कुछ भी नहीं लिखा गया, ये पुरस्कार किस प्रकार का होगा, क्या होगा, कब होगा, इसके बारे में कुछ नहीं। इसलिए जो बाइबल में नहीं है वो हमें नहीं कहना चाहिए, वो हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें केवल अब तक यही समझना चाहिए और यही हमारी आशा होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की एक पुरस्कार हमें दिया जाएगा। और मेरा मानना यह है कि वो पुरस्कार पृथ्वी पर भी हम अनुभव कर सकते हैं और अनंत काल में भी शायद वो पुरस्कार हमें दिया जा सकता है। और दोस्तों, जब मैं ये कह रहा हूं कि ये पुरस्कार पृथ्वी पर हम अनुभव करें तो मैं किस प्रकार के पुरस्कार की बातें कर रहा हूं। दोस्तों, अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं ईदन के बागीचे में, फिर से याद दिलाऊं उस वक्त जब परमेश्वर ने संसार की रचना की, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने पहाड़ पेड़ और सुंदर भूमि बनाया, परमेश्वर की क्या चाहत थी? परमेश्वर की चाहत थी कि हम इसका आनंद ले, परमेश्वर की चाहत थी कि हम इसका मजा ले, इसके ऊपर हम अधिकार रखें और सारी अच्छी चीज वो हमें प्रदान करना चाहते थे। लेकिन उसका केवल एक ही परमेश्वर के तौर और से एक ही कंडीशन था कि मेरे आज्ञा के अनुसार चलो और ये सारे अच्छी चीजों का तुम अनुभव करो। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं हम इस भूमि पे प्रभु यीशु पे विश्वास करने के द्वारा कहीं ना कहीं परमेश्वर की जो वो अच्छाई है जो ईदन के बागीचे में उसने वादा किया था वो हमें देगा, कहीं ना कहीं हमें इस पृथ्वी पर भी वो अपने वो आशीष का झलक दिखलाता है, हमें वो आशीष के तौर पर वो हमें देता है, उसका झलक हमें देखने को मिलता है। जैसे कि काम के क्षेत्र को लीजिए, काम हम जब जॉब के बारे में या काम के बारे में सोचते हम तनाव और हम गलत विचारधाराएं हमारे, हमें ऐसा लगता है कि जो नौकरियां हैं ये हमें दबाती हैं, हमें 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 तनाव में ले आता है। लेकिन
काम ईदन के बगीचे में भी परमेश्वर ने दिया था। ईदन के बगीचे में जब आदम और हवा वो काम करते थे, लेकिन उनके लिए जब वो काम करते थे वो तनाव भरा नहीं था, वो आनंद से किया जाता था। और मैं यकीन करता हूं कि परमेश्वर, जब हम मसीह को जानते हैं, जब हमें मालूम है हमारी संपूर्णता, हमारी पहचान मसीह में है, हमारे इस भूमि पे जब हम जीवन बिताते हैं, वो जीवी पे वो अच्छाई को वो वापिस हमें प्रदान करता है। मतलब ये कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम इस जीवन में भी हमारे नौकरियों को लेकर तनाव से नहीं, लेकिन आनंद से परमेश्वर को किया जाने वाला एक सेवा के अनुसार हम किया जा सकता है, और उसकी जो आशीष है वो परमेश्वर हमें देता है अलग अलग प्रकार से, नौकरी के द्वारा, जो पैसे सैलरी के द्वारा, और बहुत अलग अलग प्रकार के। सो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि परमेश्वर हमारे लिए पुरस्कार रखा है अलग अलग प्रकार के। परमेश्वर उसके उसके उद्देश्य के अनुसार, उसके मर्जी के अनुसार परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करता है, और वो पुरस्कार उसके उद्देश्य के अनुसार, उसके मर्जी के अनुसार वो हमें आशीष प्रदान करता है, और वो हमारे लिए एक पुरस्कार की ओर, पुरस्कार की तरह दिया जाता है मेरे दोस्तों। और फिर आने वाले दिनों में जब अनंत काल का जीवन, अनंत काल में हम जाएंगे, तब शायद वहां भी हमें अलग प्रकार का एक पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों याकूब हमें प्रचलित कर रहा है, याकूब हमें एनकरेज कर रहा है, पर याकूब हमें एक कारण दे रहा है कि हमारे विश्वास में, हमारे परीक्षाओं में, प्रलोभन में हमें स्थिर रहने का एक बढ़िया सा एक कारण दे रहा है, एक रीजन दे रहा है। और वो रीजन ये है कि दोस्तों, प्रभु की ओर से एक पुरस्कार है आपके लिए जो वो आपको प्रदान करेगा दोस्तों। सो दोस्तों, मैं इस वचनों के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आप किस प्रकार के परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो परीक्षाओं की वजह से किस तरह के प्रलोभन में आप पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, क्या आप लौट कर परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हैं? क्या आप ये वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आपके उस आप जो भटक गए हैं उसमें देरी ना करें, उसमें से लौट कर आने के लिए आप देरी ना करें। या फिर अगर आपने आपको यह ज्ञात हुआ है कि आपने सुसमाचार को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो आपके लिए अब भी मौका है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे फिर से बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि सच्चे सुसमाचार को ग्रहण करो, और वो ग्रहण करने के द्वारा और परमेश्वर को जानने के द्वारा, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ने के द्वारा, परीक्षाओं और प्रलोभन में स्थिर रहने के द्वारा एक पुरस्कार है जो परमेश्वर आपको देना चाह रहा है। पुरस्कार और भी प्रकार के हो सकते हैं, मन की शांति, आनंद, ये सारी चीजें भी हमें पुरस्कार की और पुरस्कार के समान देखना चाहिए। बहुत तरह के पुरस्कार है। मन की शांति की कोई ले लीजिए, संसार में आप देखें कहीं ना कहीं भी शांति नहीं है, सब लोगों के मन में व्याकुलता और तनाव से भरा हुआ है। और इस तनाव भरे परिस्थिति में अगर परमेश्वर आपको एक अलौकिक शांति प्रदान करे, क्या आप उसे पुरस्कार की तरह नहीं पुरस्कार की तरह नहीं देखेंगे? वो भी एक पुरस्कार की तरह है। परमेश्वर हमारे दिल में बहुत गहरा कार्य करता है ये सारी चीजों को लेकर। और दोस्तों कहीं ना कहीं जब हमारे दिल परमेश्वर की ओर बदलता है, जब हमारे दिल में एक सच्चा परिवर्तन होता है, सो दोस्तों वो बाहर हमारे जीवनों के द्वारा भी झलकने लगता है। हमारे परिवार वाले उसे देखने लगते हैं, हमारे आसपास के लोग उसे देखने लगते हैं, और ये सारी चीजों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा ला रहा है, परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ा रहा है, और परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहा है अपने राज्य के लिए, बड़े मकसद के लिए, एक बड़े मकसद के लिए। एक ऐसा एक बड़ा सा एक पार्टी है जो हमें, जिसका हम अनुभव करेंगे, बड़ा सा एक जश्न है जो हम स्वर्ग में मनाएंगे जब हम अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के साथ मुलाकात करेंगे। और हम सभी को वो तैयार कर रहा है, हम सभी को वो परिपक्व कर रहा है, परीक्षाओं के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा वो हमें परिपक्व कर रहा है, और हमसे वो अपेक्षा कर रहा है कि हम स्थिर बने रहें, हम डटे रहें, हम निडर बने रहें, और जहां परमेश्वर हमें ज्ञात दिलाता है हम फिर से परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। सो दोस्तों, मैं ये कहते हुए मैं आज के इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहूंगा। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि आप परमेश्वर में स्थिर बने रहें, परमेश्वर में स्थिर बने रहें, और आप जरूर परमेश्वर के पुरस्कार को पाएंगे और परमेश्वर के आशीष का अनुभव करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस
सुबह के लिए। परमेश्वर जो वचन के द्वारा आपने हमें एक और बार परमेश्वर हमें ज्ञात दिलाया है कि परमेश्वर आप हमारी भलाई चाहते हैं, परमेश्वर आप हमारे दिल में गहरा कार्य को कर रहे हैं। चाहे परीक्षाएं, चाहे प्रलोभन, इन सारी चीजों में दोस्त परमेश्वर आप हमें स्थिर बना रहे हैं और परमेश्वर उस पुरस्कार को हासिल करने के लिए हमें परिपक्व बना रहे हैं और हमें तैयार कर रहे हैं। मैं अपने हर एक मित्र, हर एक दोस्त, हर एक भाई, हर एक बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके दिल में गहरा कार्य करें परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं मानता हूँ, आमीन। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ में जुड़े। हम आशा करते हैं कि आज का जो वक्त आपने हमारे साथ में गुजारा ये आपके लिए बढ़िया रहा है। हम अब इस वक्त हमारी सभा को समाप्त करेंगे और मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन और आपके आने वाला सप्ताह और ज़्यादा बेहतर रहे और आशा करता हूँ कि आप फिर से हमारे साथ में जुड़ेंगे और किसी भी प्रकार के आपके पास सवाल है, किसी भी प्रकार के प्रार्थना का प्रार्थना बिंदु है जो आप हमारे लिए रखना चाहते हैं, आप ज़रूर हमारे साथ में संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे। इसी के साथ हम सभा को समाप्त करते हैं। प्रभु आपके साथ में रहें और आपका जो दिन है वो बढ़िया रहे। धन्यवाद।